आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक फेस पैक, और ये जो फेस पैक है ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा वाला फेस पैक है। इसको यूज़ करने के बाद आपकी स्किन एकदम ग्लोइंग और आपके जो भी ओपन पोर्स हैं वो क्लोज़ हो जाएंगे और जो भी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम हैं उनका सोल्यूशन है ये फेस पैक। वेल हाय गाइस, मैं हूँ कोमल और आपका स्वागत है मेरे चैनल कोमल्स ब्यूटी में, जहाँ आपको होम रेमेडी, DIY और मेकअप ट्यूटोरियल देखने को मिलते रहते हैं। तो इस फेस पैक को यूज़ करने के बाद, अगर आप इसको गर्मियों में यूज़ करते हैं, ये गर्मियों के लिए ही है, अगर आप इसको गर्मी में यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन में जो प्रॉब्लम होगी ना, जैसे भी आपकी इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम रहती है या फिर ड्राई स्किन वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो वो सब दूर होने वाली है इस फेस पैक को लगाने के बाद। तो गाइस, चलिए ज़्यादा बोर ना करते हुए आप लोगों को वीडियो को स्टार्ट कर लिया जाता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं ये मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर रही हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी मैंने घर पे ही पीसी थी। मैं यहाँ आपको एक पिक लगा दूँगी, ऊपर देख लीजिएगा इस तरीके की मुल्तानी मिट्टी। पता नहीं क्या उसको गिट्टी बोलते हैं, क्या पता नहीं, कैसी बंदी बंदी सी होती है ना, तो उसको कूट के और मैंने मिक्सी में पीस लिया था। इस तरीके का पाउडर मैंने तैयार कर लिया है। अगर आप लोग ये नहीं करना चाहते तो आपको मैं लिंक भी दे दूँगी इसका, तो आप ले लीजिएगा, और पीसी हुई भी आती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये है आलू का रस, और इसको मैंने आलू को लिया था एक और उसको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद उसका इस तरीके से रस निकाल लिया है। तो ये जो आप देख रहे हो ना वाइट वाइट सा नीचे जो बैठ गया है, इसको स्टार्च बोलते हैं। तो ये आपकी स्किन में ब्लीचिंग का बहुत अच्छा काम करता है। आपको पता ही है कि आलू का रस आपको ब्लीचिंग में बहुत अच्छा काम करता है, आपके स्किन में दाग धब्बों को दूर करने में बहुत अच्छा ये काम करता है। तो इस तरीके से मैंने आलू का रस निकाल लिया। अब ये आप देख रहे हो, ये है न्यूट्री ग्लो का एलोवेरा मॉइस्चरिंग मसाज जेल है। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था, अभी मैंने आपको एक वीडियो और दिखाई थी, DIY किया था, उसी में मैंने ये यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। तो ये आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप कोई भी एलोवेरा जेल हो वो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो फ्रेश वाला भी यूज़ कर सकते हो जो प्लांट वाला होता है। इसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ गुलाब जल। तो ये डाबर का गुलाब जल है, आप चाहो तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आप गुलाब की पत्तियों को पानी में डाल के बॉईल करके भी उसको यूज़ कर सकते हो, जैसा आप चाहो वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप ये देख रहे हो, इसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ। नहीं गाइस, इसका रिव्यू नहीं है, एक्चुअली इसमें मैं अपना फेस पैक बनाने वाली हूँ। मेरे पास ये ना एक इसकी जो थी ना क्रीम, नाइट क्रीम, तो वो ख़त्म हो गई थी, तो मेरे पास ये कंटेनर बचा था, तो इसमें मैं ये DIY बनाने वाली हूँ। तो बहुत अच्छा कंटेनर है ना, क्यूट सा। तो गाइस, अब मैं ये मुल्तानी मिट्टी डालूँगी इसमें। तो ये डालूँगी मैं 2 टेबल स्पून यहाँ पर इसको डालूँगी। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, नेक तक लगाना है, कहाँ तक लगाना है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर इसमें डाल दूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर डालूँगी आलू का रस। तो पहले आप इसको ना अच्छे से चला लीजिएगा, तो नीचे जो स्टार्च बैठ जाता है ना, तो वो बैठा नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून इसको भी डालेंगे, और जो भी है आप इसको देखिए, आप पहले ना इसको इतना डालने के बाद थोड़ा बहुत डालेंगे, उसको मिक्स करके देख लेंगे, अगर ये इस तरीके से पेस्ट तैयार हो जाता है तो ठीक है, नहीं थोड़ा बहुत और भी डाल सकते हैं इसके बाद। अब मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, तो ये 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ, सिर्फ ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, सिर्फ 1/2 टीस्पून ही डाला है मैंने इसके अंदर। और अब मैं इन सारी चीज़ों को ना मिक्स कर दूँगी। तो पहले आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करके देख लीजिएगा कि ये अच्छे से पेस्ट बन के तैयार हो रही है या नहीं, और अगर ये अच्छे से पेस्ट बन के तैयार नहीं हो रही है तो आप उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा आलू का रस और मिला के इसको और पेस्ट बना लीजिएगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमको, बहुत थोड़ा डालना है, और इसमें पानी का कोई भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपको ज़रूरत लग रही है तो आप यहाँ पे ये गुलाब जल डाल के इसको पेस्ट बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर डाल दिया है, और इसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से, और इस तरीके से पेस्ट बन के तैयार हो गया। तो आप देख रहे हो ना कितना क्यूट सा लग रहा है, ये कंटेनर में ये मैंने फेस पैक बनाया है, और इस तरीके से इसमें मैं डाल लूँगी। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसको जितना यूज़ करना चाहो उतना यूज़ कीजिएगा, उसके बाद इसको फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं इसको। मैं आपको इसको अपने फेस पे लगा के दिखा दी हूँ। तो गाइज़, ये देखिए फेस पैक ले लिया है मैंने, और बहुत क्यूट लग रहा है ना कंटेनर में इसको निकालने के बाद। और अब मैं सबसे पहले यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, ये है वो आलू का रस बचा था ना, जो मैंने आलू का जूस निकाला था, उसको मैं कॉटन बॉल से पहले अपने फेस पे लगा लूँगी अच्छे से। तो सबसे पहले आपको ये आलू का रस लगा लेना है अपने फेस पे, जो भी आपके फेस पे बचता है ये आलू का रस वो लगा लीजिएगा, और लगाने के बाद ना इसको थोड़ी देर अपना ऐसे ही छोड़ दीजिएगा सूखने के लिए, और अपनी आईज़ के आसपास भी लगा लीजिएगा, क्योंकि ये आपके डार्क सर्कल को दूर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आलू का रस। तो इस तरीके से लगाने के बाद छोड़ दीजिएगा सूखने के लिए। तो जैसे ये सूख गया है, तो अब मैं इसके बाद ये फेस पैक लगा रही हूँ यहाँ पर, और मैं ब्रश की हेल्प से लगा रही हूँ, आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं, जैसा आप ठीक समझे वैसे कर लीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पे ये फेस पैक लगाया, तो अब मैं आपको बता देती हूँ, जो मैंने यहाँ मुल्तानी मिट्टी यूज़ की है, इसको फ्लर्स अर्थ भी बोलते हैं।
तो मुल्तानी मिट्टी को यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि आपकी स्किन में जो भी झाइयाँ वगैरह होती हैं उनको दूर करता है। और सबसे अच्छी बात इस फेस पैक की ये है कि इसको यूज़ करने से आपका एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, वो ये कि जो भी आपके ओपन पोर्स होंगे उसको क्लोज़ करेगा, ये बहुत अच्छे से क्लोज़ कर देगा आपके ओपन पोर्स को। तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आपको तो। और इसमें जो आलू का रस है वो आपके डार्क सर्कल को भी दूर करता है, आपके स्किन के दाग धब्बों को दूर करता है। तो और एलोवेरा जेल हमारी स्किन में बहुत सारे फ़ायदे करता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। अब मैंने ये फेस पैक लगा लिया और जितना मेरा ये बच गया है ना, तो इसको अब मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। और इस फेस पैक को आपको कम से कम 15 मिनट तक यूज़ 15 मिनट तक लगा के रखना है, या फिर जब तक ये सूखता है तब तक आप इसको लगाइए। और मैंने यहाँ पर देख लीजिए 15 मिनट हो चुके हैं, तो मेरा ये कुछ आधा सूखा है आधा गीला है। तो अगर आपको इस तरीके से टाइम नहीं है तो 15 मिनट रखिए, और अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप इसको जब तक सूख जाए तब तक रखिएगा। अब मैं इसको वॉश कर लेती हूँ फेस को। तो फेस को वॉश करने के बाद अब मेरा फेस देख ही सकते हैं कितना ग्लो करने लगा है गाइस, आप देख ही रहे हो। इसको वॉश करने के बाद मेरे फेस पे एक निखार सा आ गया है, मतलब एक बहुत अच्छा सा निखार है। और अब मैं इसको पैड ड्राई कर लूँगी अपने टॉवल से। तो आप इसको सिर्फ इस तरीके से पैड ड्राई कीजिएगा अपने फेस को, रगड़िएगा मत बिल्कुल भी। और उसके बाद भी कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। उसके बाद अब मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा एकदम लाइट फील कर रही है, और इसको लगाने के बाद पता है क्या, आपको एकदम फ्रेश फील होता है, जैसे कि एकदम फ्रेश फ्रेश सा बहुत अच्छा फील होता है इसको फेस पैक को लगाने के बाद। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है फेस पैक की कि आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो फेस पैक मैंने आपको अभी तक बताए हैं वो डेली यूज़ के लिए नहीं बताए हैं, इसको हफ्ते में दो बार या फिर ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको आप डेली यूज़ कीजिएगा और अलग ही सा निखार देखिएगा अपनी स्किन में। और इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ मुल्तानी मिट्टी का एक फेस पैक शेयर किया है, जो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और वो भी बहुत अच्छा है, वो उन लोगों के लिए है जो जैसे कि आपको टाइम नहीं है बिल्कुल भी, आप कॉलेज जाते हैं पढ़ाने जाते हैं या फिर आप ऑफिस जाते हैं, इसको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो उन लोगों के लिए वो फेस पैक है। तो आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगी। आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये फेस पैक कैसा लगा है। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, उसके बगल में ही एक बेल आइकन उसको ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें, और इसी तरीके से अच्छे अच्छे आने वाली वीडियोस को आप लोग मिस ना कर पाएं। वीडियो को कर दीजिएगा शेयर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो लोग भी इस DIY फेस पैक को यूज़ कर सकें और इसके बहुत सारे फ़ायदे ले सकें। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक आपको नीचे मेंशन कर दूँगी, तो वहाँ से देख लीजिएगा और प्लीज़ फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप लोगों के पास कोई और भी सजेशन है मेरे लिए कि आप मुझे किस तरीके से और वीडियो बनाने चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए उस चीज़ पर मैं वीडियो लेके आ सकूँ। तो चलिए मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।